बड़ी खबर आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज देव टीवी पर, जहां वर्दी के नशे में खाकी ने जमकर तांडव किया है। मामला यूपी के भदोही जिले का है, जहां भदोही कोतवाली क्षेत्र के जौनपुर भदोही सीमा पर स्थित धौरारा पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। अवैध वसूली में मशगूल रहने वाली धौरारा पुलिस का इस लॉकडाउन में कमाई का सारा रास्ता जब बंद हो गया तो वह पूरी तरह बौखला गई है। धनाढ्यों के आगे घुटने टेकने वाली भदोही पुलिस महिलाओं पर वर्दी का खौफ झाड़ रही है और भदोही जनपद के न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक के छवि को भी भदोही पुलिस धूमिल कर रही है। ऐसी पुलिस सूबे की सरकार को भी बदनाम करने पर उतर आई है। पूरा मामला कुछ इस प्रकार का है। चार छह कुर्सी सिकंदर बाबू को तोड़िया धरा वही गलिया रवाई में। लॉकडाउन पालन के आड़ में धौरारा पुलिस चौकी इंचार्ज सहित लगभग आधा दर्जन पुलिस के जवान मर्याद पट्टी स्थित इंदिरा आवास की चहर दीवारी के अंदर जाकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। वहां रखी कुर्सियों को डंडे से तोड़ डाला है। हालांकि जब कुछ लोग वहां कारण पूछने पहुंचे तो महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाली धौरारा की जाबाज पुलिस सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। लॉकडाउन के दौरान भदोही पुलिस महिलाओं के साथ पूरी तरह बदसलूकी पर उतर आई है। महिलाओं को धक्का दिया गया। इन महिलाओं का कसूर बस इतना था कि वह कॉलोनी परिसर के अंदर अपने दरवाजे के समीप बच्चों के फैले हुए कपड़े को उतार रही थी। लॉकडाउन में महिलाओं पर खाकी अपने काम के बोझ का गुस्सा उतार रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या लॉकडाउन में घर में घुसकर तोड़फोड़ करने की छूट है? क्या महिलाएं अपने घरों में नहीं रह सकती? यह सच नहीं है। कोरोना के कहर से प्रधानमंत्री व सूबे के मुख्यमंत्री देश को बचाने को ठाना है, इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। लेकिन लॉकडाउन के आड़ में इस तरह बदसलूकी की छूट आखिर किसने दे दी है? भदोही की यह तस्वीर वाकई दहला देने वाली है।